हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो यूपी पीजीटी के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने मेनली कवर कर लिया है हमारा संवेग, है ना, सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं ये हमने कवर कर ली हैं, संवेग एवं शारीरिक परिवर्तन ये भी कर लिया है, और संवेगों की सैद्धांतिक विवेचना ये भी कर लिया गया है। इसी के साथ साथ संवेग के सिद्धांत, संज्ञानात्मक कारक एवं संवेग, ये सारी जो पॉइंट्स हैं हमारे रिगार्डिंग इमोशन, है ना, संवेग की जो थ्योरीज हैं इनको हमने सभी को देख लिया है डिटेल में। हमने ये भी देखा कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, फिर कौन सी आई, है ना। इसमें हमने कई सारी थ्योरीज देखी, लगभग 6 से 7 थ्योरीज हमने देखी हैं इसके अंदर। इमोशंस में हमारे पास एक चीज जो बाकी रह गई है जो हमको कवर करना है वो ये है कि एपिनफ्राइन एक्सपेरिमेंट, है ना। एपिनफ्राइन एक्सपेरिमेंट एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, संवेग के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। वो किसका एक्सपेरिमेंट था, क्या क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है यूपी पीजीटी में, तो हम उसको भी कवर करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले एडवांस बैच के लेक्चर्स में वो ये है कि आपकी जो एग्जाम की डेट्स है बहुत जल्द आ सकती है, ठीक है। तो बी रेडी, आपका फॉर्म फिलिंग की डेट लगभग खत्म होने वाली है, तो इसकी डेट्स आएंगी तो हम जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कवर करते हैं और ट्राई करेंगे कि आपका इसी मंथ में या फिर मोस्टली आपके जुलाई तक आपका यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं, डोंट वरी, जुलाई तक आपका पूरा रेडी हो जाएगा, है ना। ओके, हमको क्या देखना है, हमको जो सवाल देखना है, जो हमको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से है कि हम देखेंगे स्मृति के बारे में, ठीक है। अगला जो चुनाव किया है हमने वो है स्मृति। स्मृति के मूल प्रक्रम कौन कौन से मॉडल है, स्मृति का मापन किस तरह से किया जा सकता है, एसटीएम क्या होता है, एलटीएम क्या होता है, इनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे विस्मरण को प्रभावित करने वाला कारक, है ना, रिट्रीवल का फेलियर क्या होता है, उसको भी देखेंगे। स्मृति के प्रकार देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ मेमोरी, है ना, दीर्घकालिक, सिमेंटिक, कौन कौन सी मेमोरी होती है ना, इनको कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा स्मृति के पास से, है ना, तो इसको कवर करेंगे हम बहुत ही जल्द, स्मृति को टॉपिक करेंगे। देन इसके बाद हम जाएंगे अपने अधिगम के ऊपर, अधिगम सीखना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, किस प्रकार से एज एवं परिपक्वता, अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, है ना, इसके अंदर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, किसने निकाली थी, सारी चीजें हम कवर करेंगे आपके लिए डिटेल में। मतलब यूपी पीजीटी में आपके जो 125 सवाल है उसमें आप जो अभी आप स्कोर कर रहे हैं, लास्ट 60 सवाल प्लस जा रहे हैं, 70 प्लस जा रहे हैं, ठीक है, इनको हम ट्राई करेंगे इंक्रीज करने का कि आप लगभग 100-110 इसके ऊपर आपका स्कोर जाने लगे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको तो और ऊपर जाना है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे आपके लिए कि 125 आउट ऑफ 125 सवाल, ठीक है, आप हमारे कोर्स के अंदर अगर हैं तो ट्राई करेंगे हम कि 125 के 125 सवाल आपसे बने उस दिन एग्जाम में, ठीक है। आपको सवाल देखते ही याद आना चाहिए कि अच्छा ये तो हमने पढ़ के बैठे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आपको क्लास की टाइमिंग्स बहुत जल्दी बता दी जाएंगी, क्लास की टाइमिंग्स, क्योंकि नेट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है आप लोग का वो है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी, है ना, इसको हम कवर करेंगे। मोस्टली आपका आज है 14 जुलाई, ठीक है, जुलाई है आपका 14 जुलाई, आज ही के दिन फ्रांस में मनाया जाता है बेस्टाइल डे, ठीक है, आज़ादी टाइप का दिन होता है वो वहाँ का 14 जुलाई को। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे, वहीं से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। एंड देन हम ट्राई करेंगे कि आपका जो कोर्स है ये आपका अगस्त तक सिमट जाए, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है यूपी पीजीटी में, इतना सब है, तो हम ट्राई करेंगे कि अगस्त तक आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन मिल जाए आपको, ठीक है। आप नोट्स खुद के बना रहे हैं, सेल्फ नोट्स, बहुत बढ़िया बात है, ताकि आप ही स्कोर करें अच्छा, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते रहिए अपने, एंड देन जब आपको मांगा जाएगा तो आपको वो शेयर करना होगा कि आप बता बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या केवल लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके नोट्स बनाते चलिए, आपको हेल्प होगी। एंड देन जब आप पीवाईक्यूज करेंगे अगस्त के बाद, हम पीवाईक्यूज करेंगे, देन आपको टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही। अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम स्मृति के प्रकार से स्टार्ट करेंगे, स्मृति 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 के मूल प्रक्रम, प्रोसेसिंग मॉडल, और वो सब देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन कौन से आपके पीवाईक्यूज में सवाल आए हैं, उनको भी कवर करेंगे हम इनके अंदर। तो चैनल पे बने रहिए, अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे बने रहिए, जल्दी आपको कई सारी वीडियोस देखने मिलेंगी, टाइमिंग्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो अभी आपके लिए एक नया ग्रुप बनने वाला है, ठीक है, साइको यूपी पीजीटी करके या ऐसा कुछ, ठीक है। टाइमिंग के लिए आप साइको प्रोफेसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी कि आपके पीजीटी का सेपरेट ग्रुप कौन सा है, ठीक है।
एंड देन यूपीपीजीटी का जो हमारे एडवांस बैच के बच्चे हैं उनके लिए भी एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो उनको भी सुविधा होगी सारे लेक्चर्स को एक लाइन से देखने में। राइट, ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।